बी नंबर में कितना है, बी नंबर क्या था, टाइम था, क्या था, बी नंबर पर लेंथ था, लेंथ था। तो लेंथ का डायमेंशन किसके किसके टर्म दिखाना है, सी सी, तो सी पर पावर ए ले लो, फिर क्या है, जी पे पावर बी, जी पर पावर बी ले लो, एच पे पावर सी, एच पर पावर सी ले लो, है ना, क्योंकि अब ए पर डिपेंड करेगा, सी पर डिपेंड करेगा, तो एक का वैल्यू कुछ पूछा है, नहीं डिपेंड करता है, तो वैल्यू जीरो है, तो लेंथ को लिख सकते हैं एम पर पावर जीरो, एल टी पर पावर जीरो, लिख देंगे लाइट का डायमेंशन, एल टी पर पावर माइनस फोर पर पावर ए, जी का लिख सकते हैं एम पर पावर माइनस वन, माइनस वन, और क्या था, एल पर पावर थ्री, एल पर पावर थ्री, टी पर पावर माइनस टू, टी पर पावर माइनस टू, होल पर पावर क्या आ जाएगा, बी, होल पर पावर बी, हाँ, और इनटू इनटू एम एच, एच का डायमेंशन क्या था, एम एम, एल पर पावर टू, एल पर पावर टू, टी पर पावर माइनस वन, माइनस वन, होल पर पावर सी, ठीक है, एम पर पावर जीरो, टी पर पावर जीरो, बेस सेम है, ऐड कर देंगे, देखो एल एल ए क्या होगा, थ्री बी, थ्री बी टू सी, ठीक है, एम पर पावर बोलो, एम पर पावर माइनस बी, माइनस बी और फिर बी और सी, सॉरी सी ना, हाँ, टी पर पावर बोलो, माइनस, हाँ, माइनस ए, माइनस ए, माइनस टू बी, माइनस टू बी, माइनस सी, माइनस ए, क्लियर, चलो अब हम इक्वेट कर रहे हैं दोनों साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, अगर इसको डायमेंशनली करेक्ट होना है तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, चाहिए ना, तो एम पर पावर जीरो है तो यहाँ भी जीरो होना चाहिए, दिस बराबर, तो लिख देंगे c माइनस बी बराबर जीरो, c माइनस होगा ना, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ठीक है, l पर पावर तो यहाँ वन है, हाँ l a प्लस थ्री बी प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू वन, इक्वेशन टू बन गया, चलो जीरो है तो क्या होना चाहिए, माइनस a माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस टू बी इक्वल टू इक्वेशन क्या बन गया, ये आपका टी इक्वेशन आ गया ना, तो क्या टेक्निक बताया, यही टेक्निक है कि जो इसको पकड़ लिया, थ्री बी लिखा हुआ है ना, हाँ इसको इसको अब इसको देखो, तो इक्वेशन सेकंड से चलो, From second equation second, और third का वैल्यू पुट करते हैं, a plus 3b को लिख सकते हैं 2b, plus 2c को लिख सकते हैं c, इसका एक b बच रहा है ना, plus इसका c एक बच रहा है ना, ऐसे रख बराबर कितना है, one ना है ये, इस बार ये वैल्यू तुम्हारा जीरो, यहाँ रखते जीरो, हाँ जीरो जीरो प्लस b प्लस c बराबर वन, तो b प्लस c बराबर वन है इक्वेशन, इसको फोर मान लो, अब क्या करो, फर्स्ट और फोर को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस b कट गया, कौन कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो टू c बराबर वन, तो c बराबर वन बाय टू, c बराबर वन बाय टू, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो b बराबर हाफ आ जाएगा, बोलो हाँ, तो b बराबर हाफ आ गया, तो हम कौन से इक्वेशन यूज कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन, हाँ, फ्रॉम थर्ड, v थर्ड में a का वैल्यू निकालना है, टू b का वैल्यू कितना आया है, वन बाय टू, c का वैल्यू कितना आया है, इक्वल टू जीरो, ये तो कैंसिल हो गया, a बराबर माइनस थ्री बाई टू आ गया, हाँ। सारा वैल्यू रख दीजिए, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या लिख सकते हैं,
सी पर पावर कितना आया 3/2 -3/2 और क्या आया जी पर पावर कितना आएगा 1/2 बी 1/2 एच क्या आएगा 1/2 क्लियर है चलो क्लियर लिख लो देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है एच के जगह एच आएगा एच पर पावर हाफ 1/2 ठीक है इफ फोर्स वेलोसिटी डेंसिटी एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ठीक है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी लिनियर मोमेंटम पावर एंड प्रेशर को लिखना इसके टर्म में ठीक है देखो क्या करेंगे हम मान लेते हैं एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को तो ई जो है का डायमेंशन ठीक है फोर्स के टर्म लिखना है तो फोर्स पर पावर ए और ए जीरो आएगा तो फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा ए का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा पॉजिटिव आए इधर नेगेटिव आए डिपेंड करेगा वी पर पावर क्या लिख देंगे और रो पर पावर क्या लिख देंगे यूनिट डायमेंशन हाँ क्लियर अब इसमें सब का डायमेंशन तुमको जानना होगा एनर्जी का जानती हो एम एल पर पावर टू हाँ एनर्जी वर्क के बराबर होता है हाँ फोर्स का जानती है एम एल टी पर पावर माइनस टू होल पर पावर ए एलसीडी जानती है होल पर पावर बी एलसीडी जानती है मास एल पर पावर माइनस वॉल्यूम में होना तो माइनस थ्री और पावर होल पर पावर कितना जाएगा समझ रही है अब एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस जितना हम लिखो अब क्या है ए में हम भी है ए में हम भी है जुड़ जाएगा एम पर पावर है प्लस एल पर पावर यहाँ भी है ए प्लस बी माइनस टू एल माइनस बी माइनस होगा ना माइनस टू माइनस ओ इसमें तो टाइम कहाँ है इसमें तो टाइम है ही नहीं बी होगा हाँ माइनस टू एल क्लियर है ना अब ये सही अगर होना है दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए सेम इक्वेटिंग बोथ ठीक है अब इक्वेट कर देंगे एम पर पावर क्या है वन इक्वल टू ए प्लस सी इक्वेशन वन बन गया एल पर पावर कितना है टू इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस थ्री से इक्वेशन टू बन गया फिर क्या है माइनस टू तो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस बी माइनस तो टू बराबर टू ए प्लस बी माइनस वन कट जाएगा बन गया अब क्या करो सेकंड और थर्ड से सेकंड एंड थर्ड क्या करो सेकंड से टू इसको ए प्लस बी क्या ले सकते हो सकता है टू इधर चला जाएगा हाँ हाँ उसको कर देना देखो ए टू बराबर ए प्लस बी को एक इधर ले आओ तो टू माइनस ए लिख देंगे ए प्लस बी को माइनस थ्री से समझिए बात को अरे ए को ए इधर ले आओ ए को ए बचेगा ए प्लस बी रख दें अभी टू से टू क्या हो जाएगा तो क्या आ गया ए प्लस थ्री सी बराबर जीरो माइनस है ना इसको ले आएंगे अब यहाँ आ गया
अब इक्वेशन हम इसको क्या बना लो, फोर्थ इस तरह सॉल्व कर लेता। अब जो है फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट माइनस फोर वी घटा, तो फर्स्ट में फोर को अगर घटाएगी ई से तो कट जाएगा, तो वन बराबर ए से तो कट गया, फर्स्ट में घटा रही इसको माइनस टू सी ना, हाँ माइनस टू सी मर रही है सी में से घटा रही है फोर्थ फोर्थ को, हाँ तो फोर आएगा ना, तो सी बराबर क्या आएगा माइनस वन बाय टू, तो सी जब आ गया तो सी के बराबर यहाँ रख देगी, तो सी के बराबर जैसे यहाँ रखेगी तो ए बराबर आ जाएगा माइनस वन बाय टू इधर आएगा, तो वन प्लस वन बाई टू थ्री बाय, अब किसमें रख दे मेरा बी निकल जाए, तो किसी में रख दे थर्ड में रख दे फ्रॉम थर्ड है ना, तो टू इक्वल टू टू इनटू ए, ए का भर निकाल चुके हैं थ्री बाय, हमें चाहिए क्या चीज बी, तुम्हारा b वैल्यू कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा माइनस वन, टू टू कट गया थ्री बचा ना, आएगा क्वेश्चन तो लिख ली थे चल दिया। अब जो है सारा ए बी सी निकल गया है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, फोर्स एफ ए कितना आया था जी थ्री बाई टू, थ्री बाई टू लिख देंगे, भी बी कितना आया माइनस वन, भी पर पावर माइनस वन, रो कितना आया बोलो सी माइनस वन बाय टू, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिख लीजिए बी नंबर मोमेंटम है ना, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं है ना, तो p बराबर हो गया m पर पावर a, और क्या क्या था m कहाँ पर f, f पर पावर a, b पर पावर b, और रो पर पावर c है ना, इस पर अगर मान लो कि c का वैल्यू जीरो आ गया तो जीरो डिपेंड नहीं करेगा, b पर जीरो आ गया नहीं डिपेंड करेगा, वैल्यू आएगा उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो p क्या लिख सकते हैं m मास बनाम वेलोसिटी ठीक है, फोर्स को एम एल टी पे पावर माइनस टू, फोर्स पर पावर ए, वेलोसिटी और डायमेंशन याद रखना धीरे धीरे एल टी पावर बी, डेंसिटी मास बाय वेलोसिटी एम एल पर पावर माइनस थ्री, फोर्स पर पावर सी, क्लियर है एम एल टी पर पावर माइनस एम पर पावर ए, यहाँ सी है ना, एल पर पावर ए प्लस बी माइनस टी पर पावर माइनस टू ए माइनस वन सॉरी बी माइनस बी ना, ठीक है इसमें तो है नहीं ठीक है, अब क्या करना है तुमको इक्वेट करना है, इक्वेट करना है दोनों साइड, डिजिटल क्वांटिटी करेक्ट होना डायमेंशन सेम होना चाहिए, इक्वेटिंग बोथ साइड ठीक है, ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया वन, दिस प्लस एल ए प्लस बी माइनस थ्री सी इक्वल टू वन माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस टू एल माइनस बी इक्वल टू माइनस टू एल प्लस बी इक्वल टू वन, कोई दिक्कत अब जो है अब कैसे सॉल्व करेगी, इसको हम रख सकते इसको एक इधर ले आओ है ना, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको थर्ड, तो हम सेकंड और थर्ड का टेक ले क्या, हाँ फ्रॉम
second and third. We get minus. क्या पाएगी? तो हम इस a को किधर ले जाएं? हाँ तो one minus two है. हाँ तो one minus a हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो a plus b की जगह पर one minus a रख देंगे? रख देंगे? Minus c equal to one है कि नहीं है? e से कट गया? Three c plus a इस किधर ले जाओ? बराबर जीरो. अब किसके साथ जोड़ देंगे? फर्स्ट के इसको फोर मान लो, किसके साथ क्या डाल देंगे? फर्स्ट को माइनस फोर माइनस वी फर्स्ट के साथ, तो ए कट जाएगा, तो टू सी आ जाएगा ना, फर्स्ट के साथ घटाएंगे टू सी आएगा, माइनस फोर में कर रही है माइनस थ्री सी ना जी, इसके साथ घटाएंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन माइनस जीरो हो गया, तो सी बराबर कितना? वन क्लियर? अच्छा हाँ माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस का माइनस रहेगा, माइनस ना रहेगा, सी बराबर माइनस वन रहेगा ना, कैसे प्लस कर दें? माइनस टू सी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू कितना? जरा माइनस टू आ गया, माइनस वन बाई टू, ठीक है? अब a इक्वल टू क्या होगा? इसको इधर ले जाएंगे, वन माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री बाई टू आ गया. अब a और c जब फाइंड हो गया तो b निकाल दीजिए सेकंड से. निकाल लेंगे सेकंड से, हमको b चाहिए ना, तो b चाहिए सेकंड से, थर्ड से कर सकते हैं. From third क्या हो जाएगा? टू इंटू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू ठीक है, प्लस बी इक्वल टू अट्ठीस हो गया, तो बी बराबर वन माइनस थ्री माइनस टू. अब क्या लिखेंगे मोमेंटम पी को? लिखेंगे तो एफ 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 पर पावर कितना? थ्री बाई टू. हाँ थ्री बाई टू एफ पर पावर थ्री बाई टू, ए बराबर थ्री बाई टू आया था ना. चलो और बोलो, बी पर पावर माइनस टू, बी पर पावर क्या लिखेंगे? माइनस टू माइनस टू, और रो पर पावर क्या लिखेंगे? वन बाई माइनस वन बाई टू. कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? क्या खाड़ी रेस्ट जो तीन दो क्वेश्चन है उसको घर में बनाना, खुद से ट्राई करना, ठीक है? थर्ड यूज में हो गया डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटीज, डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटी. एमंग कहां लगता है? जहां दो से अधिक के बीच में हम रिलेशन को स्थापित करते हैं. डिड्यूस करना मतलब स्थापित करना, डेवलप करना. फिजिकल तो इन डायमेंशन के माध्यम से हम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं. जैसे मान लो कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एच डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कॉमा एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल
coin tip inch. क्लियर? चलिए पहला जी समझो क्या कहता है. सिंपल पेंडुलम देखो है क्या, एक छोटा सा बॉल को स्ट्रिंग से टांग दो और ये जो है दोलन करते रहता है ऐसे ऐसे, समझ गए. इसी को कहते हैं, इसका स्ट्रिंग का लेंथ हो गया एल, स्ट्रिंग का लेंथ हो गया एल और ये दोलन कर रहा है ऐसे, इधर जाएगा इधर आएगा फिर आएगा फिर दोलन करते हैं. यही है सिंपल पेंडुलम. घर में देखो क्योंकि पेंडुलम लग रहा था ना, क्लॉक पेंडुलम दोनों करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है, सो करते हैं सिंपल पेंडुलम. तो ए स्ट्रिंग के लेंथ पर डिपेंड कर रहा और किस पर डिपेंड कर रहा, जी पर. तो हम इसमें रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे इसी को समझना. तो देखिए हम क्या लिखेंगे, द टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड्स ऑन लेंथ. कैसे डिपेंड कर पता नहीं है, तो लेंथ पर पावर ए मान लेते हैं. ए का वैल्यू अगर जीरो आ गया तो लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर ए का वैल्यू कुछ ना कुछ आता है तो लेंथ पर डिपेंड करेगा. दूसरा डिपेंड्स ऑन एक्सेशन डी टू ग्रेविटी, तो जी पर पावर क्या लिखेंगे, अब दोनों मिला दो. नाउ टी बराबर के एल पर पावर ए और जी पर पावर बी, कोई दिक्कत नहीं ना. अब हम के क्या है, ये है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट. इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. फिजिक्स में दो तरह का कॉन्स्टेंट आता है, एक ऐसा कॉन्स्टेंट जिसका डायमेंशन होता है, एक ऐसा कॉन्स्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं होता है. दो तरह का कॉन्स्टेंट है, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट और डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट. डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट. इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं. अब ये अभी का वैल्यू फाइंड कर लिए तो टी एल जी में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, तो दोनों साइड का डायमेंशन लिख देंगे. इधर क्या लिख सकते हैं, टाइम में तो टी एल आ जाएगा इक्वल टू के, तो डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, लेंथ है एल पर पावर एन हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जब में करते एल टू पर पावर माइनस टू फोर पर पावर बी. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो एल तो है नहीं, एल पर पावर जीरो जीरो एम पर पावर जीरो, एम का जरूरत नहीं है क्योंकि एम इधर नहीं ना है, हाँ एम इधर रहता तो इधर भी एम लिख देते, एम पर पावर जीरो लिख देते, ठीक है ना. एल पर पावर है एल पर पावर बी आएगा, बेस से ऐड हो गया ना, टी पर पावर बी. क्लियर? चलिए अब हम इक्वेट कर देंगे दोनों साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड. बोथ क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड, तो एल पर पावर जीरो है, जीरो क्योंकि दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा, जो फिजिक्स का रिलेशन सही होगा, जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन होगा वही राइट साइड का डायमेंशन होना चाहिए. नहीं राइट साइड एल पर पावर ए प्लस बी है, यहाँ जीरो है, तो जीरो इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ वन है क्या हो गया माइनस टू बी, यहाँ से बी का वैल्यू निकाल सकती है, बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस वन बाय टू, नीचे जाएगी माइनस माइनस वन बाय टू. अब यहाँ से नाउ बी का वैल्यू पुट करते हैं, बी का वैल्यू यहाँ रख देंगे, ए माइनस वन बाय टू इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू कितना आ गया वन बाय टू, फर्स्ट में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन वन. अब रिलेशन आ गया एल पर पावर माइनस वन बाय टू आ गया और एल टी टी पावर बी ना, जी एल पर पावर ए ना है, एल पर पावर ए है वन बाय टू ना, और जी पर पावर कितना माइनस वन बाय टू,
आएगा इसको लिख सकते हैं एल का रूट लगा सकते हैं ऐसे नीचे आ जाएगा पावर और तुम पढ़ोगे कि k का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट कितना 2 पाई कितना 2 पाई रूट अंडर k को रिप्लेस कर दिया k को रिप्लेस कितना कर दिया 2 पाई अगर तुम ऐसे भी छोड़ सकती हो तो आंसर ठीक है अगर नहीं पता है k का वैल्यू तो ऐसे ही रख सकती हो ठीक है पता है तो k के वैल्यू पुट कर सकती हो पहले डिपेंड्स ऑन स्पीड तो भी पर पावर ये ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली और भी पर पावर एक बार पता नहीं है कैसे डिपेंड कर रहा फिर किस पे डिपेंड कर रहा मास पावर क्या लिख देंगे बी फिर किस पे डिपेंड कर रहा रेडियस रेडियस पावर सी अब तीनों को मिला देंगे जैसे मिलाएंगे तो बराबर डायमेंशन कांस्टेंट आएगा भी पर पावर एम पर पावर बी के क्या है डायमेंशन लेस है अब दोनों से डायमेंशन निकालो जाए बोलो हाँ भी मास और रेडियस हो जाएगा एम एल टी पर पावर माइनस टू भी एल एल टी पर पावर होल पर पावर ए हो जाएगा मास एम 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 पर पावर एम पर पावर भी रेडियस रेडियस आर पर पावर सी आर पर पावर है ना हो जाएगा आप क्या लिख देंगे इक्वेस्टिंग बोथ सॉरी क्या होगा एम पर पावर कहाँ है वन तो वन बी होगा तो b बराबर तो 1 हो गया l पर पावर l पर पावर यहां क्या है a है हां हां बस ये है तो a प्लस c तो हम लिख दें 1 1 ऐसे लिखो 1 इक्वल टू ठीक है हां l पावर 1 है 1 इक्वल a प्लस c a प्लस c फिर क्या लिख देंगे टाइम टाइम है माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस a ए बराबर कितना 2 है ना ये तो निकल जाएगी हां तो सी निकल जाएगा तो सी इक्वल टू 1 माइनस है 1 माइनस 2 2 माइनस 1 सारा वैल्यू रख देंगे सो फर्स्ट मान लो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या हो जाएगा के m बराबर के के भी a बराबर 2 है हां m b बराबर क्या है 1 है और c बराबर -1 c r पावर -1 a बराबर m v स्क्वायर बाय और गुना क्या है के अगर k का मान जानते हैं तो रख दीजिए हेयर के का वैल्यू क्या होता है 1 क्या होता है 1 क्या होता है 1 के कांस्टेंट है जिस कांस्टेंट का डायमेंशन लेस कांस्टेंट जब कोई डायमेंशन नहीं होगा कांस्टेंट का डायमेंशन होता भी नहीं है क्योंकि 2 4 6 का डायमेंशन होगा नहीं समझ गए
MBS practice.